एक ऐसा मंदिर जिसे मुस्लिम शासक ने बर्बाद करने का बीड़ा उठाया, लेकिन वो मंदिर को छू तक नहीं सका। इस मंदिर की ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहती है। वैज्ञानिक भी ज्योत के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। जी हाँ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी महिमा का गुणगान पूरा विश्व करता है। ये मंदिर की आस्था का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए बताते हैं आपको इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को ज्योता वाली माँ का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर में नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर अपने अंदर कई तरह के चमत्कार और रहस्यों को समेटे हुए है। इस मंदिर की प्राचीनता हजारों साल पुरानी है। ज्वाला देवी मंदिर से निकलने वाली 9 अलग अलग ज्वालाओं के रहस्य को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके। इस मंदिर में बिना तेल और बाती की ज्वाला हजारों सालों से निकल रही है। कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के भंडार की संभावना भी जताई, लेकिन इस ऊर्जा का पता नहीं लगा सके। बादशाह अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए। ज्वालामुखी देवी के मंदिर को ज्योता वाली मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में 9 अलग अलग जगहों से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनको महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजीर देवी के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीव गिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो इस भूगर्भ से निकलती ज्वाला का पता नहीं लगा पाए कि ये आखिर इसके निकलने के पीछे का क्या कारण है। वहीं अकबर द ग्रेट ने भी इस ज्योत को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे। बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में जब सुना तो वो हैरान रह गए। उसने अपनी पूरी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर का निर्माण करवाया। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उसने 125 सोने की छत्तर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माँ ने वो छत्तर कबूल नहीं किया और वो छत्तर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी बादशाह अकबर का ये छत्तर ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में तंबू गाड़ कर बैठे हैं, वो भी इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था है। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, कमेंट करके जरूर बताइएगा।